खून में लथपथ ये औरत कोई और नहीं बल्कि यूक्रेनियन की एक ब्लॉगर है जिसने इस हालत में कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में एंट्री ली, जिसके बाद इसे धक्के मारकर निकाल दिया गया। यूक्रेनियन के परचम के रंगों का बना हुआ लिबास पहनकर और खुद पर फेक ब्लड डालकर कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में इसने अपने आप में ही बहादुरी का मुजाहिरा दिखाया। यूक्रेनियन की इस ब्लॉगर ने सबसे पहले तो कैमरामैन की तवज्जो अपनी तरफ दिलाई, उसके बाद अपने क्लेवेज में से फेक ब्लड वाला पाउच निकाल कर अपने ऊपर डाल लिया, जिसके फौरन ही बाद गार्ड्स ने इन्हें धक्के देकर वहां से निकाल दिया। इस लेडी का नाम इलोना चेनोबाई है। इसके मुताबिक जब इससे पूछा गया कि इन्होंने इस तरह से क्यों किया, तो इन्होंने कहा कि लोग कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म और म्यूजिक को प्रमोट करने आते हैं, लेकिन मैं ये हरकत कर सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि यूक्रेनियन किन हालात से गुजर रहे हैं। मैंने लोगों को याद दिलाया है कि यूक्रेनियन में क्या कुछ हो रहा है और मैं अपने इस अमल पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ और मुझे खुशी है कि मेरा ये अमल आलमी सतह पर पहुँच गया है। मेरा ये अमल मेरे मुल्क में रहने वाले उन शहरियों के लिए था जो अपने ही मुल्क में गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स के जरिए से लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।